कतर एयरवेज ही एक ऐसी एयरलाइंस है जिसमें आपको दोहा के लिए कोई ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो यू बुक कतर फ्रॉम इंडिया टू इथियोपिया एंड इथियोपियन एयरलाइंस फ्रॉम इथियोपिया टू कनाडा. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे साथ गेस्ट है जो अपना इनडायरेक्ट राउट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं फ्रॉम इंडिया टू कनाडा. सो हमारे साथ है साक्षी. वेलकम साक्षी. हाय गुसरमन, दिस इज साक्षी. सो साक्षी, सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं क्वेश्चन कि तुम्हारा कोर्स कौन सा था एंड कौन से इनटेक में तुमने एनरोल किया था. मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स था इन सेनेका कॉलेज. And it was main take. So my main. Class started on 17 May. 17 May से पहले start हो गई थी. And तुमने fly कब किया था? On 24th May. 24th May. तो basically जब classes start हो चुकी थी उसके बाद travel किया था. जो काफी लोग पूछते हैं कि जब classes शुरू हो जाती है बीच में हम travel कर सकते हैं या नहीं, तो दैट इज वैलिडेटेड बाय यू कि हम बीच में भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो दैट्स ग्रेट. अच्छा, बात करते हैं कि कौन सा इनडायरेक्ट राउट लिया था तुमने, तो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करो. वाया इथियोपिया ट्रैवल किया था. सो आई स्टेड इन इथियोपिया फॉर 2 डेज एंड देन इथियोपिया टू कनाडा. सो वाया इथियोपिया मतलब पहले तुमने दिल्ली से इथियोपिया वाया दोहा गए थे जैसे तुमने बताया था, राइट? अब दोहा के लिए तुमने बताया कि कोई ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए था, बट इथियोपिया के लिए चाहिए था. तो उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करोगे कि कैसे तुमने अप्लाई किया, क्या क्या टाइमलाइंस थी? या मैंने इथियोपिया का वीजा एक दिन पहले अप्लाई किया था, नाइट बिफोर आई वाज सपोज्ड टू ट्रैवल, और मुझे अगले दिन सुबह 10 बजे तक वीजा आ गया. ओके, सो मतलब विद इन 2 डेज 3 डेज आ जाता है. सो काफी लोग पूछते हैं कि भाई टाइम लगेगा या नहीं. पीपल टेंड टू रिसीव वीजा इन लाइक 15 मिनट्स. आई गॉट माय वीजा इन 11 आवर्स. परफेक्ट, ये तो अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ट्रांजिट वीजा की, राइट? काफी लोगों को लगता है कि भेजना पड़ेगा अपना पासपोर्ट, फिर से टाइम लगेगा. तो दिस इज फीजिबल विच इज ग्रेट. एंड वीजा ऑन अराइवल भी है, बट It is safe to have visa before traveling क्योंकि Indian immigration आपसे अगर visa मांगेगी तो you should have the document in hand. Right. अच्छा, तुम इसके जो cost थे, cost क्या था इसका? मतलब तुमने via Doha, Ethiopia and then Toronto fly किया, right? So क्या क्या cost associated थे and कितना time तुम्हें लगा? It was around 1,40,000 for me. अगर आप किसी एजेंट से पैकेज वगैरह लेते हो तो इट्स अराउंड 1.5 एंड 1.6. ओके, सो इसमें थोड़ा सा तुमने बचा लिया, विच इज ग्रेट. बट मैंने यही सुना है कि 1.5 से लेके 2 लाख तक काफी एजेंट्स चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा राउट आप ले रहे हो. इवेंचुअली आई पेड 1.5 क्योंकि मैंने एक और एयरलाइन बुक करा दी थी जिसकी कैंसिलेशन 10,000 है. ओके. हाँ, वो तो सभी के साथ होता है. बुक टर्किश एयरलाइंस फ्रॉम इथियोपिया टू कनाडा, बट उसमें लेओवर था एट इस्तांबुल फॉर 8 आवर्स, और जिसके लिए मुझे थोड़ा डाउट था, इट कैन बी रिस्की. दो कैनेडियन बॉर्डर्स कंफर्म दैट यू कैन ट्रैवल विद अ लेओवर फ्लाइट, बट इट वाज क्वाइट रिस्की क्योंकि वहां मुझे अकेले इमिग्रेशन को हैंडल करना पड़ता. बट अगर इथियोपियन एयरलाइंस में आई हैव प्लेंटी ऑफ पीपल एट द एयरपोर्ट fighting for their boarding pass, so it was quite safe. So 1.5 lakhs या 1.4 lakhs जो तुमने बोला INR, उसके अंदर सभी चीजें included थी, right? जिसके अंदर RTPCR, flights and even hotel. So इथियोपिया के अंदर तुमको 2 दिन रुकना भी पड़ा था, if I'm not wrong. So उसके बारे में थोड़ा सा explain करोगे कि क्या-क्या process था testing का, RTPCR testing वहाँ पे? हमने hotel में call कर दिया था. There's a Washington laboratory. वहाँ पे कॉल कर दिया था, वो लोग होटल आके हमारे सैंपल्स ले गए थे. एंड मैक्सिमम टाइम वाज 24 आवर्स. उनके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है विच इज 4 to 6 आवर्स, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. इट्स लाइक 100 USD. 24 आवर्स के लिए इट इज 60 USD. ओके. सो चलो, ये कॉस्ट वगैरह तो ठीक है, बट रीजन क्या था फ्लाई करने का? मतलब इतना झमेला लेके यहाँ से जाओ वहां से जाओ, व्हाट वाज द रीजन टू फ्लाई? देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन. मेरा कुछ भी मेजर नहीं था. मेरा मेडिकल भी एक्सपायर नहीं हो रहा था और मेरे क्लासेस को भी अभी 1 वीक ही हुआ था. बट इट्स जस्ट दैट मुझे वैक्सीनेशन का थोड़ा इशू था कि मुझे इंडिया में भी नहीं लगवानी थी एंड कहीं पे भी फंसना नहीं था कि अगर ये वैक्सीनेशन पासपोर्ट का रूल आ गया या कुछ भी आ गया तो आई डोंट वांटेड टू गेट स्टक इन इंडिया. तो
दिस इज व्हाई आई टुक दिस रूम. एंड जो तुमने इथोपिया के अंदर स्टे किया था, जो होटल था वो क्वारंटीन नहीं था, राइट? यू वर जस्ट वेटिंग फॉर योर आरटीपीसीआर टेस्ट, सो तुम बाहर जा सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास वीजा था. देयर इज नो रूल ऑफ क्वारंटीन इन इथोपिया. तो मतलब वेकेशन भी कर सकते हैं जो लोग जाना चाहते हैं, कि दो दिन वहां पे रुको, आराम से घूम फिर के आओ, साइट सीइंग करके एंड आराम से फिर कनाडा जाओ, व्हिच इज ग्रेट. अच्छा, तो जब इथोपिया से तुमने ट्रेवल किया तो कितने लोग थे, कितने और ट्रेवलर्स थे तुम्हारे साथ जो कनाडा जा रहे थे ये वाले राउट से? अप्रोक्सीमेटली 25-30 पीपल वर देयर ऑन द एयरपोर्ट. ओह ओके, मतलब इंडिया से थे जो स्पेसिफिकली, राइट? Right. They were mostly from India and मतलब मैंने boarding 3 बजे करी थी. There was a friend of mine. उसने check-in around 10 AM in the morning कर लिया था. So okay. It was an easy process for her. जब हमने 3 बजे किया था तो बहुत ज्यादा लोग थे, तो हमें थोड़ी fight करनी पड़ी वहाँ पे, क्योंकि सबके अपने अपने reasons से travel करने के. Right. And I want to mention you should have your enrollment letter if you want to take this route. क्योंकि बिना enrollment letter के you cannot travel. And make sure it is the latest one. अगर आप second semester में हो तो you should have your second semester enrollment letter. इथोपिया के बाद तुम पहुंच गए कनाडा, right? तो कनाडा के अंदर immigration experience क्या था? उन्होंने ऐसा कोई problem तो नहीं create की कि तुम वाया वाया होके इंडिया से ही आ रहे हो तो तुमको अलग से कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ था? इंडिया से travel करने में उन्हें कोई problem नहीं थी. It's just that मुझसे एक question पूछा गया था that if classes are online, why are you traveling? क्योंकि मैंने अपने सारे documents provide कर दिए थे and the immigration officer asked me कि आप 11 days मतलब 14 days total quarantine के बाद आप कहाँ पे move होने वाले हो? I was like I'm going to shift with my friend in Brampton. तो उन्होंने बोला कि college कैसे commute करोगे? I was like मुझे commute ही नहीं करना क्योंकि मेरी तो classes online है. Classes online है तो आप आए क्यों? Do you have any support letter from your college that you should be present in Canada? For a class is like no, I don't have any travel support letter क्योंकि colleges आप वो letter नहीं provide कर रहे हैं. हाँ, सभी college provide ही करते, right? Yeah, there was no scope of lying. तो जो था वो मैंने बोल दिया. तो मैंने उन्हें अपना enrollment letter और अपना time table schedule दिखा दिया था. तो he was quite convinced and उन्होंने फिर मुझे मेरा study permit दे दिया. क्योंकि तुम्हारा जो time table होगा वो इंडिया के सुबह के 5-6 बजे तक क्लासेस तुम्हारी होगी, सो दैट वाज अ वैलिड रीजन. बट काफी लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, उनके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. बट ट्रैवल करना था एंड टाइम टेबल वाज अ जेन्युइन रीजन. राइट. सो इस वजह से सभी लोग एटलीस्ट ईमेल कॉन्फर्मेशन ले लेना चाहिए अपने कॉलेज से कि वेदर यू कैन ट्रेवल और नॉट. अगर ट्रेवल सपोर्ट लेटर प्रोवाइड करते हैं दैट इज वेल एंड गुड, वो भी होना गुड रहता है. एंड साउंड क्वारंटीन प्लान भी होना चाहिए जो एक्चुअली अगर आप प्रिंटेड लेके जाओ विच विल कम इन वेरी हैंडी, क्योंकि आपके साथ ज्यादा फॉलो अप क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम से कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बंदा फ्रीज हो जाता है वहां पे और कुछ भी बोल देता है हड़बड़ी में, जिसको पकड़ के वो खींचते रहते हैं और बहाने ढूंढते हैं. और जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं होगा तो डिपोर्ट तो नहीं करेंगे. बट तुम्हारा टाइमिंग जो था क्लासेस का वो बैठ रहा था, कर रहा था, उसकी वजह से बच गए. वेरी गुड. अच्छा, अब काफी लोगों के क्वेश्चंस थे मेडिकल के बारे में कि 6 months से ज्यादा अगर ओल्ड हो जाते हैं मेडिकल तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. सो तुम्हारा भी शायद उसी रेंज में था, 6 months to 1 year. सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई मेडिकल के अकॉर्डिंग? नहीं, मेरा लास्ट सितंबर 2020 में मेडिकल हुआ था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी ने मुझसे कुछ इनफैक्ट मेडिकल कहीं मांगा कि नहीं. एंड स्टडी परमिट लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी? सब कुछ स्मूथ था, पूरा स्टडी परमिट मिला तुम्हें जितना तुम्हारा कोर्स का ड्यूरेशन है, राइट? नहीं, इट्स जस्ट दैट आई डिडंट गेट माय वर्क परमिट. वर्क परमिट का, हाँ, वो तुमने बताया था कि इनवैलिड शो हो रहा था, सो शायद तुम्हें वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग विच एवरीवन नीड्स टू नो कि अगर तुम्हारे एक प्रोग्राम के अंदर कोऑप है सो इट इज पॉसिबल कि वर्क परमिट वो इशू ना करे क्योंकि वो इनवैलिड शो करा होगा. सो जीसी की को अपना मॉनिटर करते रहो. अच्छा, तुम अब कैनेडा पहुंच गए, स्टडी परमिट तुम्हें मिल गया एंड 1.4 लाख 1.5 लाख रुपीस तुम खर्च करके आए हो वाया वाया घूम के. सो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे ताकि व्यूअर्स को अंडरस्टैंड हो सके, वाज इट वर्थ इट कि ये वाले अल्टरनेटिव रूट, या तुमको लगता है कि एयर कनाडा या एयर इंडिया की वेट करनी चाहिए थी कि डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर ही आते? सी, देयर इज अ वैलिड रीजन, इट्स वर्थ. अगर आप इंडिया से क्लासेस अटेंड कर सकते हो एंड देयर इज नो नीड टू ट्रैवल तो
It's your call. You can. It's your choice. Okay. Very safe answer. मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. काफी लोग जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं राइट, तो उनको ज्यादा हेक्टिक तो नहीं लगेगा. मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली. सी इट वाज हेक्टिक क्योंकि आप 3-4 दिन से सिर्फ ट्रेवल कर रहे हो, बट अगर वो कोई इमरजेंसी है तो देयर इज नो हार्म क्योंकि पीपल आर टेकिंग मेक्सिको रूट एंड अदर स्टफ. बट आई गेस स्टूडेंट्स के लिए इथियोपिया वाला सेफ रूट. तो मैंने काफी राउट्स और भी सोचे, जैसे तुमने मेक्सिको बोला, तो तुमने इथियोपिया क्यों चूज किया, बाकी राउट्स क्यों नहीं चूज किए? क्योंकि मैंने सुना था कि मेक्सिको वाले राउट में कुछ प्रॉब्लम है और वहां से पीआर और वर्क परमिट वाले लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं, प्लस वाज एक्सपेंसिव. मैंने किसी एजेंट से पूछा था एंड ही सेड ही गिव मी कोटेशन ऑफ 2 लाख, तो ये मुझे चीप पड़ रहा था. हाँ ये तो फिर अच्छा राउट है. अच्छा अब तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, सो आर देयर एनी टिप्स जो तुम शेयर करना चाहते हो व्यूअर्स के साथ जो ये वाला राउट प्रेफर कर रहे हो या इस रूट से आने की सोच रहे हो? या एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर डॉक्यूमेंट्स हैंडी, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए एंड एनरोलमेंट लेटर इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. जस्ट वन मोर थिंग, माई फ्रेंड वॉज सपोज टू ट्रेवल ऑन 30th, बट उसके एजेंट ने उसकी विस्तारा फ्लाइट करी थी फ्रॉम इंडिया टू इथियोपिया एंड इजिप्ट एयरलाइंस फ्रॉम इथियोपिया टू कैनेडा. ओके, उसे इंडिया से ही फ्लाइट नहीं बोर्ड करने दी गई क्योंकि उसकी फ्लाइट भी विस्तारा से इथियोपिया वाया दोहा थी, बट इथियोपियन एयरलाइंस ने उन्होंने बोला, इमिग्रेशन ने बोला दैट यू नीड अ वीजा फॉर दोहा, ट्रांजिट वीजा. सिर्फ कतर एयरवेज ही एक ऐसी एयरलाइंस है जिसमें आपको दोहा के लिए कोई ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो यू बुक कतर फ्रॉम इंडिया टू इथियोपिया एंड इथियोपियन एयरलाइंस फ्रॉम इथियोपिया टू कैनेडा. एयरलाइंस वाले बताते हैं कि कौन सी एयरलाइंस के लिए ट्रांजिट वीजा चाहिए होगा या ये कतर से पता चलता है? एयरपोर्ट जब उन्होंने इमिग्रेशन के लिए उन्होंने बात करी तो तब उन्हें मना कर दिया, दे सेड यू नीड वीजा फॉर दोहा. उनकी रिफंड कुछ तो हुआ ही होगा आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. सो ये वाले रूट से तुम प्रेफर कर रहे हो या तुम बोलना चाहते हो कि अगर तुम ये वाला राउट दोहा से ले रहे हो तो कतर एयरवेज से लो, और कोई फ्लाइट मत लेना, नहीं तो तुम्हें ट्रांजिट वीजा चाहिए होगा. एंड सेम इज द केस विद इथियोपिया का भी, इथियोपियन एयरलाइन से करो जो बेसिकली कंट्री की एयरलाइंस है उसके थ्रू करो, सो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. देयर इज वन मोर ऑप्शन, इथियोपियन एयरलाइंस फ्रॉम इंडिया, बट आई गेस वो वंस इन अ वीक ही फ्लाई करती है, सो वो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है. सो अभी तुम कनाडा पहुंच चुके हो, इमिग्रेशन भी हो गया, उसके बाद होटल क्वारंटीन के ऊपर आते हैं. सो होटल क्वारंटीन का कैसे एक्सपीरियंस था? मैंने मैरियट टोरंटो इंटरनेशनल होटल बुक किया था. मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था, स्पेशली विद द फूड, सारी मील्स बहुत अच्छी थी एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इट वाज वेरी इजी. और उसका कॉस्ट कितना था एप्रोक्सीमेटली? उसका कॉस्ट था अराउंड $1,063 फॉर 3 नाइट्स. कोविड रिपोर्ट तो नेक्स्ट डे ही आ गई थी एंड वी आस्क फॉर अर्ली चेक आउट एंड रिफंड, बट that's not possible. वो रिफंड नहीं मिलेगा. 3 नाइट स्टे करके ही फिर तुमने आगे ट्रैवल? 3 नाइट ही है क्योंकि वी वर गेटिंग फूड और हमारा एयरबीएनबी भी 3 दिन के बाद ही बुकिंग थी, तो इसलिए हमने 3 दिन स्टे किया. सही है. सो होटल क्वारंटीन तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा था एंड तुम होम क्वारंटीन के लिए एयरबीएनबी के अंदर आ गए हो. कौन सी लोकेशन है एंड उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है तुमको? इट्स इन नॉर्थ योर्क फॉर 11 डेज और हमें 2 लोगों को कॉस्ट पड़ी अराउंड 70,000. वी आर शेयरिंग वॉशरूम, हम लोगों ने साथ ही फ्लाई किया, इथियोपिया में भी हम साथ थे, होटल में भी हम साथ थे विद डिफरेंट रूम्स, बट सिंस हमने साथ ट्रेवल किया तो ये हमने इकट्ठे बुक कर लिया. इट्स अ बेसमेंट for 70,000 INR, 35,000 each. Yeah. फिर तो अच्छा है, not bad. It's a nice place. इसमें काफी कुछ available है, काफी groceries और बर्तन, सब कुछ. वैसे देखा जाए North York is expensive as compared to other cities. अगर Scarborough में गए होते, that was a cheaper option. And even Mississauga Brampton is a cheaper option as compared to North York. Time नहीं था bookings करने के लिए क्योंकि हमने पहले ही booking करी थी. Owner ने ऐसे reply किया, हमने booking कर दी. नहीं नहीं, फिर भी अच्छा है, not bad. अच्छा तो अब आते हैं थोड़े से interesting moments के ऊपर. So क्या कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ था जो तुम्हारी मेमोरी में हमेशा के लिए रहेगा कि भाई ये तो मेरी मेमोरी का पार्ट बन चुका है?
बहुत सारे हैं। इथोपिया में कभी भी वेज खाना नहीं मिल सकता। वेज खाना नहीं मिलता। हमारे होटल में चिकन भी बहुत कम अवेलेबल था, ज्यादातर अवेलेबल था, पर ठीक है, हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा था तो वी वर गुड। एंड प्लस हम हल्दीराम्स के कुछ रेडी टू ईट ले आए थे, थैंकफुली। मेरा होटल रूम बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस इन इथोपिया। जकूजी हमारे रूम में पूरे फुल ऐश करके आयो, ये नहीं कि इसको वेस्ट नहीं माना जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस। इथोपिया में हमारे रूम इतने अच्छे थे कि हमने बहुत चिल किया। सो एनी लास्ट थॉट्स जो तुम मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? इस राउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट डॉक्यूमेंट्स इज द बिगेस्ट इशू। अगर आपके पास सब कुछ रेडी है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर लोग तुमको फॉलो करना चाहे तो कहाँ पे वो तुम्हें फॉलो कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, इट्स @saakshi32। सो साक्षी की इंस्टाग्राम आईडी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो हर। थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। We'll be right back.